hello students here we are with our chapter the monsoon diary from class 8th and our book name is honey dew we are reading our unit 8 from this chap from this book and, uh, and this is our first chapter from this unit so this chapter is written by ruskin bond so अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास एट्थ का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी द मॉनसून डायरी वो लिखा हुआ है द रस्किन रस्किन मॉर्न ने लिखा है उनकी जो डायरी वो है उसके कुछ अंश हैं यहाँ पर सो टेक आउट योर बुक हनी ड्यू एंड ओपन पेज नंबर वन फिफ्टीन इन योर बुक तो मॉनसून डायरी वी हैड रीड टिल ही इन आवर प्रीवियस वीडियो तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा था कि जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि मानसून मानसून आ गया है और जो धुंध है वो पहाड़ों पर छा गई है जिसकी वजह से जो चिड़ियाँ हैं वो शांत हो गई हैं और उनके इस शांत होने ने जो होने की वजह से जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत जो ये धुंध का मौसम है वो बहुत क्या हो गया है दुख भरा हो गया है और फिर वो ये भी बता रहे हैं कि जो विजिटर्स होते हैं सीजनल के के आगंतुक यानी सीजनल जो मानसून के ऋतु में जो जानवर आते हैं जो क्रिएचर्स आते हैं उनके बारे में बताया जैसे लिपर्ड है लीची है लीचेस हैं और मेनेट मेनेविट्स हैं और ट्री क्रीपर हैं तो ये भी अब आ गए हैं कहते हैं सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर लेट्स स्टार्ट अगस्त थ्री तो देखो अब यहाँ पर अगस्त थ्री के बारे में मैंशन किया है तो अगस्त तीन तारीख द रेन स्टॉप्स बारिश रुक गई है द क्लाउड्स बिगेन टू ब्रेक अप दन स्ट्राइक इन दिल दन स्ट्राइक द हिल ऑन माई लेफ्ट बादल टूटने लगते हैं सूरज मेरी बाई ओर पहाड़ी के बाई ओर से पहाड़ी से टकराता है अमेन इज चॉपिंग स्टिक्स एक महिला लकड़ियाँ काट रही है आई हीयर द टिंकल ऑफ़ बेल्स टिंकल मीन्स होता है खन खनाहट काउ बेल्स यानी जो गायों के बैल गायों के गले में जो घंटियाँ वा दी जाती हैं उसे बोलते हैं बेल्स आई हीयर द टिंकल ऑफ़ बेल्स मैं गायों की खन मैं गायों की गले में बदी हुई घंटियों की खनखनाहट सुन सकता हूँ या मुझे गायों की गले में बदी हुई घंटी की खनखनाहट सुनाई देती है इन द ओक ट्री अ क्रो सेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज हिस्सैस एंड कोज डिस्कॉन्सो लेटली तो देखो रेन ड्रॉप्स मीन्स होता है पानी की बूंदें डिसकॉन्सो लेटली मीन्स होता है अनहैप्पी या अप्रसन्न ठीक है तो देखो द ओ इन द ओक ट्री आक्रोस सेक्स द रेन ड्रॉप फ्रॉम इज फैदर्स एंड कोज डिस्कॉन्सोलेट कॉन्सोलेटली एक कौवा ओक के पेड़ में अपने प, अपने पंख से बारिश की बूंदों को झकझोरता है और निराशापूर्वक कावकाव करता है कोज मीन्स होता है काव काव करना ठीक है तो देखो आ, ओक के पेड़ में एक कौआ बारिश की बूंदों को अप, अपने पंखों से बारिश की बूंदों को झकझोरता है और निराशापूर्वक काव काव करता है वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग लिकिंग, लिकिंग ड्रेन पाइप लिकिंग मीन्स होता है रिश्ता हुआ तो रिश्ते भी निकास नली से पानी टपकता है ड्रेन पाइप में होता है निकास नली तो रिश्ते भी निकास नली से पानी टपकता है एंड सडनली क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग छस इमर्जेस लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेफ ऑफ द रिवाइन रिवाइन मीन्स होता है घाटी और अचानक स्वच्छ और शुद्ध सीटी बजने का गीत घाटी की गहराई से एक गहरे मीठे रहस्य की तरह उभरता है इमरजेस मीन्स होता है उभरना विस्लिंग थ्रस मीन्स होता है सीटी बजने की का गीत तो देखो वो कह रहे हैं कि एंड सडनली क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रस इमर्ज लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेफ्स फ्रॉम ऑफ द रिवाइन रिवाइन मीन्स वैली यानी घाटी और अचानक स्वच्छ और शुद्ध सीटी बचने का गीत घाटी की गहराई से एक गहरे मीठे रहस्य की तरह उभरता है तो देखो आप राइटर यहाँ पर कह रहा है थ्री अगस्त की वो बात बता रहा है कि जो बारिश है वो रुक गई है और जो क्लाउड्स हैं वो बादल हैं वो टूटने लगे हैं और सूरज मेरी बाई ओर से पहाड़ी से टकराता है मीन्स कि बारिश रुक गई है और जो बादल हैं वो भी हट गए हैं और जो सूरज है उस पहाड़ी के से निकल रहा है और जो एक महिला है वो लकड़ियाँ काट रही है अमेन इज चॉपिंग अप स्टिक्स एक महिला लकड़ियाँ काट रही है आई हेर द टिंकलिंग ऑफ काउबेंस मुझे गायों के गले की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और फिर वो कहता है कि इन टोक ओपट्री आक्रोच सेक्स द रेनड्रॉप्स From his feathers and फैदस dis and एनकाउ disconsolately और एक कौवा ओख के पेड़ पर बैठ कर अपने पंखों से बारिश की बूंदों को झकझोर रहा है और निराशापूर्वक काव काव कर रहा है और वाटर ड्रिप्स फ्रॉम लिकिंग ड्रेन पाइप और रिश्ते भी निकास नली से पानी टपकता है and suddenly clean and pure the song of the whistling thrush emerges emerges like a dark sweet secret from the depths of the ravine और अचानक स्वच्छ और शुद्ध सीटी बजने का गीत घाटी की गहराई से एक गहरे मीठे रहस्य की तरह उभरता है यानी फिर वो कह रहा है कि एक जो सीटी बजने का गीत है वो घाटियों से आ रहा है अब अगस्त ट्वेल्व अब अगस्त ट्वेल्व के बारे में यानी अगस्त बारह तारीख के बारे में लिखते हैं इंडलेस रेन एंड परमानेंट मिस्ट अंतहीन बारिश इंडलेस मीन्स होता है अंतहीन अंतहीन बारिश एंड परमानेंट मिस्ट और एक स्थायी धुंध परमानेंट मीन होता है स्थायी मिस्ट मीन्स होता है धुंध तो इंडलेस रेन एंड परमानेंट मिस्ट अंतहीन बारिश और स्थाई स्थाई धुंध वी हैवेंट सीन द सन फॉर एट और नाइन डेज हमने आठ या आठ से नौ दिनों तक सूरज नहीं देखा हमने आठ या नौ दिनों से सूरज को नहीं देखा एवरी थिंग डैम्प एंड सोगी सोगी मीन्स होता है नम प्रत्येक चीज गीली और नम है नो वेयर टू गो कहीं नहीं जाया जा सकता पेस टू द रूम कमरे में जाओ लुक लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ फ्यू बोविंग अम्ब्रेलास और खिड़की से बाहर कुछ छत्रियों को चलते हुए देखो तो वो कह रहे कि इनलेस रेन एंड अ परमानेंट मिस्ट अंतहीन बारिश और स्थायी धुंध वी हैवेंट सीन द सन फॉर एट और नाइन डेज हमने आठ या नौ दिनों से सूरज को नहीं देखा एवरीथिंग डंप एंड सोगी प्रत्येक चीज गीली और नम थी नो वेयर टू गो कहीं नहीं जाया जा सकता पेज द रूम कमरे में गए लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ फ्यू बो बोविंग अम्ब्रेलाज बोबिंग मीन्स होता है डोलती हुई या हिलती हुई ठीक है तो लुक आउट द विंडो एट अ फ्यू बोबिंग अम्ब्रेला खिड़की से बाहर कुछ छत्रियों कुछ हिलती हिलती डुलती छत्रियों को देखो वो राइटर कह रहे हैं कि जो बारिश है बिल्कुल इंडल है बिल्कुल रुक नहीं रही है और एक परमानेंट धुंध यानी स्थाई धुंध छा चुकी है और हम हमने आठ या नौ दिनों से सूरज को नहीं देखा है कह रहे हैं कि, कि इतनी लगातार बारिश हो रही है तो आठ नौ दिनों से बिल्कुल भी धूप नहीं आई है और जो प्रत्येक चीज़ क्या है नम और गीली है और हम कहीं जा नहीं सकते तो कह रहा है कि बस कमरे में बैठ बैठे रहो और खिड़की से बाहर कुछ हिलती दुलती छाताओं को देखो एटलीस्ट इट इजेंट कोल्ड एटलीस्ट इज इजेंट इट इजेंट कोल्ड रेन तो कह रहा है कि एटलीस्ट अंततः एटलीस्ट इट इज कोल्ड रेन अंततः यह एक ठंड की बारिश नहीं थी द हिल साइड आर लस एज लेट मॉनसून फ्लावर्स बिगेन टू अपेयर वाइल्ड बेल्सम डहलियाज बैगोनीस एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स द हिल साइड आर लस लस मीन्स होता है हरे भरे तो द हिल साइड आर लस पहाड़ हरे भरे हैं एज द लेट मानसून फ्लावर्स बिगेन टू अपेयर क्योंकि मानसून के फूल क्योंकि गत मानसून के फूल दिखने लगे थे जैसे वाइल्ड बेल्सम जैसे जंगली बल बेल्सम डहलिया बैगोने और ग्राउंड आर्किट तो देखो ये कह रहे हैं कि जो है कि यह ठंड की बारिश नहीं थी तो जो पहाड़ क्या थे हरे भरे हो गए थे द हिल साइड और लस लेट मानसून फ्लावर्स बिगेन टू अपीयर वाइल्ड बल्सम डहलिया बैगोनिस एंड ग्राउंड आर्किड पहाड़ हरे भरे हैं क्योंकि गत मानसून के फूल दिखने लगे हैं जंगली मस... जंग... 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 जंगली, ज... जंगली बल्सम डहलिया बेगोनियस और ग्राउंड आर्किड तो जो कह रहा है कि जो पहाड़ जो पहाड़ियाँ हैं हिलसाइड हैं जो पहाड़ हैं वो हरे भरे हैं क्योंकि जो मानसून में जो आ, वनस्पति होती है मानसून में जो फूल खिलते हैं वो खिले हैं और फिर उन फूलों के नाम क्या हैं जैसे वाइल्ड बैल्सम यानी जंगली बेलसम डहलिया बैगोनीस और ग्राउंड आर्किड ये क्या हो गए खिलने लग गए हैं अगस्त थर्ट थर्टी वन यानी अगस्त इकतीस इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त एंड द लस मानसून ग्रोथ हैज़ रीज्ड इट्स पीक अगस्त थर्टी वन यानि अगस्त थर्टी वन इकतीस अगस्त इकतीस की बात यहाँ पर ट्राइटर कर रहे हैं इट इज़ द लास्ट डे ऑफ द अगस्त एंड द लस मानसून ग्रोथ हैज़ रीज्ड इट्स पीक यह अगस्त महीने का आखिरी दिन मानसून वृद्धि अपने चरम पर पहुँच गई है एंड लस मॉनसून लस मीन्स यहाँ पर रसीला भी होता है और हरा भरा भी होता है ठीक है तो रस और रसीले मानसून की वृद्धि अपने चरम पर पहुँच गई है द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड कोबरा लिली के बीज लाल रंग में बदल रहे थे जो यह दर्शाता है कि बारिश समाप्त होने वाली है या हो रही है तो देखो अब अगस्त थर्टी वन है तो राइटर ने अब अगस्त थर्टी वन को किया कई के बारे में बता रहे हैं कि इट इज़ द लास्ट डे ऑफ द अगस्त अगस्त आपको पता है थर्टी वन को जाता है तो यह अगस्त महीने का सबसे आखिरी दिन है एंड द लस मानसून ग्रोथ हैज रीज इट्स पीक और लस रसीले मानसून की वृद्धि अपने चरम पर पहुंच गई है द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड सिग्निफाइंग दैट द ट्रेन आर कमिंग टू एन एंड कोबरा लिली के बीज लाल रंग में बदल रहे थे जो यह दर्शाता है कि बारिश समाप्त हो रही है या बारिश समाप्त होने वाली है तो देखो आप वो कह रहे हैं कि अगस्त का लास्ट दिन है थर्टी आर, फर्स्ट अगस्त है यानी इकतीस अगस्त है तो अगस्त महीने का लास्ट दिन है और जो मानसून है वो अपने पीक पर है यानी अपनी चरम पर है अब और जो जंगली कोबरा लीली के जो बीज हैं वो अब लाल रंग में बदल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो बारिश है अब ख़त्म होने वाली है मानसून अब क्या है जाने वाला है ठीक है तो इसका कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि, कि जब बारिश समाप्त होने वाली होती है तो जो कोबरा लीली के जो बीज हैं वो लाल होने लग जाते हैं इन अ फ्यू डेज द फंस विल स्टार्ट टर्निंग येलो बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म ग्रीन एंड अपराइट इन अ फ्यू डेज कुछ ही दिनों में फर्न पीले पड़ने लगेंगे लेकिन अभी वे मजबूत हरे और सीधे खड़े हैं ठीक है तो देखो इन अ फ्यू डेज द फर्न विल स्टार्ट टर्निंग येलो कुछ दिनों में फर्न पीले पड़ने लगेंगे बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म ग्रीन एंड अपराइट लेकिन अभी वे मजबूत हरे और सीधे हैं तो देखो आप वहाँ पर अब बात कर रहे हैं फर्न की जो मतलब ऐसी घास होती है इसमें लीव्स नहीं होते बस ज़मीन में उगती है वो ठीक है तो जो फर्न की वनस्पति है वो भी क्या होने वाली है कि थोड़े दिनों में वो भी क्या हो जाएगी येलो हो जाएगी लेकिन वो अभी भी अभी वो क्या है फर्म है यानी सीधे हैं बिल्कुल मजबूत है फर्म यानी मजबूत हरे और सीधे खड़े हैं ठीक है तो जो मॉनसून जहाँ जब जाएगा हाँ तो जो फर्म है वो फर जो फर्म है वो भी क्या हो जाएगी फर्न जो है वो भी क्या हो जाएंगे येलो हो जाएंगे लेकिन अभी भी वो हरे हैं सीधे खड़े हैं ठीक है ग्राउंड ऑर्चिड मावा लेडी स्लीपर एंड वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड पुट ऑन अ फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रेसी स्लोप्स ऑफ़ लैंडोर माउंट आर्किड चमकीला लेडीज स्लीपर और वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड लंडौर की घास के ढलानों पर एक वेशभूषा का प्रदर्शन करते हैं तो देखो अब यहाँ पर ये यह फ्लावर्स के नेम है तो कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑर्चिड मावा लेडीज लेडीज स्लीपर एंड द वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड पुट पुट ऑन अ फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रेसी स्लोप्स ऑफ लंडोर तो जो लंडोर की घास के ढलानों पर ग्राउंड ऑर्किड चमकीला माओ लेडीज स्लीपर और वाइट बटरफ्लाई आर्किड लंडौर की घास की ढलानों पर एक वेशभूषा का प्रदर्शन एक वेशभूषा प्रदर्शन का नाटक कर रहे हैं मीन्स जैसे फैशन शो होता है तो इसी तरह से वो क्या कर रहे हैं कि अपना जो फेषभूषा का प्रदर्शन है वह प्रदर्शन कर रहे हैं ये फूल कहाँ पर जो लंडौर की घासी स्लोप्स हैं यानी ग्रेसी स्लोप्स हैं यानी लंडौर के घासी की जो ढलाने हैं वहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर क्या कह रहा है राइटर जो मानसून जाने वाला होता है तो वो कह रहा है कि जो कोबरा लीली है वो क्या हो जा रहा है टन लाल बदल जा लाल कलर में बदल जा रहे हैं उसके सीड जो ये दर्शाता है कि जो बारिश है वो अब समाप्त होने वाली है और वही चीज़ वो फर्न के साथ भी कह रहा है कि वो अब पीला होने जा रहा है क्योंकि मानसून ख़त्म हो जाएगा तो वो अभी क्या हो जाएगा पीला हो जाएगा लेकिन अभी वह मजबूत और हरा और सीधा खड़ा हो रहा है कह रहे और ग्राउंड ऑर्चिड मोवा लेडी स्लीपर्स एंड द वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड पुट ऑन अ फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रेसी स्लोप्स ऑफ लंडोर ग्रेसी स्लोप्स मीन्स होता है घास की ढलान ठीक है और ग्राउंड आर्किड चमकीले लेडीज स्लीपर और वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड लांढोर की घास की ढलानों पर एक वेशभूषा का प्रदर्शन का नाटक कर रहे हैं वाइल्ड डहलियाज रेड येलो एंड मैग्नेट एंड मजेंडा रेयर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी सर्विक्स वेयर दे हैव टेकन होल्ड तो वाइल्ड डहलिया यानी जंगली डहलिया लाल और पीला और मैरून चट्टानी दरारों से अपने सिर को पीछे करते हैं जहाँ उन्होंने उसे पकड़ लिया था तो देखो वाइल्ड डहलियाज़ रेड येलो एंड मजेंडा रियर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी सर्विक्स वेयर दे हैव टेकन होल्ड सर्विक्स मीन्स होता है जो दरारें आती हैं उनको बोला जाता है सर्विक्स तो वो कह रहे हैं कि जो वाइल्ड डहलियाँ यानी जंगली डहलियाँ लाल पीली और महरून चट्टानी दरारों से अपने सिर को पीछे करते हैं जहां उन्होंने जहां वे खड़े थे वेर दे हैव टेकन होल्ड जहां उन्होंने उस उसको पकड़ लिया था ठीक है मीन्स जिन चट्टानों जिन चट्टानों पर वो थे उनकी दरारों से जो टहलिया के फूल हैं वो क्या कर रहे हैं अपने सर को पीछे कर रहे हैं स्नेक्स एंड रोडियंट फ्लोडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड बरोस टेक्स शल्टर इन रूफ्स एटिक्स एंड गोडाउंस रोडियंट मीन्स क्या होता है जो पृंतक होते हैं ठीक है उनको रोडियंस बोलते हैं तो कह रहे हैं कि स्नैक एंड रोडियंस फ्लोडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड टेक शेल्टर इन रूफ्स, एटिक्स एंड गोडाउंस सांप और कृतंक अपने छोटे और छोटे बिल, बिलों से बहकर छोटे बिलों और छेदों से बहकर छतों अटारी और गोदामों में शरण लेते हैं ठीक है तो स्नेक एंड रोडियंस फ्लोडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड बररोज होल्स मीन्स होता है छेद बरोज मीन्स होता है बिल टेक शेल्टर शेल्टर मीन्स आश्रय लेना एटिक मीन्स होता है अटारी एंड गोडाउन मीन्स होता है गोदाम तो स्नैक एंड रोडियंट्स फ्लोडेड आउट ऑफ देअर होल्स एंड बररोज टेक सेल्टर इन रूप्स एटिक्स एंड गोडाउंस सांप व कृतज अपने छो, अपने छेदों और बिलों से बहकर छतों अटारी और गोदामों में शरण लेते हैं तो वो अपने बिलों से बहकर आ गए उनके बिल भी क्या हो गए पानी में बह गए हैं तो वो आप कहाँ शरण ले रहे हैं पेड़ों में छतों में और गोदाम में नहीं छतों में अटारी में और जो गोदाम है उनमें अश्र्यू वीक ऑफ आई साइड ब्लेंडर्स अबाउट द रूम्स मच टू अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन अश्रू अश्र्यू मीन्स होता है छुचुंदर ठीक है तो एक सुचुंदर आँखों से जो कमजोर है कमरे के बारे में भूल गया है बच्चों के मनोरंजन के लिए काफ़ी था ब्लेंडर्स मींस होता है भूलना ठीक है या उतल फुतल बताना जो कमरे में उतल फुतल मचा रहा है मच टू अम्यूज़मेंट ऑफ द चिल्ड्रन चिल्ड्रन बच्चों के मनोरंजन के लिए काफ़ी था तो कह रहे हैं अश्र्यू वीक ऑफ आईसाइट श्र्यू मीन्स होता है छुंदर जो दृष्टि से कमजोर था ब्लेंडर्स अबाउट द रूम्स ब्लेंडर्स मीन्स होता है उतल फुथल मचाना या आ, भूलना ठीक है ब्लेंडर्स अबाउट द रूम जो कमरे में उथल पुथल मचा रहा है मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बच्चों के मनोरंजन के लिए काफी था तो देखो आप यहाँ पर इस लाइन में रहे जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि जो स्नेक और रोडियंस हैं यानी सांप और जो कृतंक है वो उनके जो छेद हैं वो और अपने छेदों और बिलों से वो बह के बाहर आ गए हैं और उन्होंने छतों अटारी और गोदामों में शरण ले ली है और फिर वो कह रहे हैं कमजोर है वह कमरे में उथल पुथल मचा रहा है और बच्चों के मनोरंजन के लिए वह काफी है। ग्रैंड मदर एडमोनिश मीन्स होता है फटकार लगाना या चेतावनी देना डोंट किल इट उसे मत मारो उनकी दादी ने उन्हें फटकार लगाई एडमोनिश एडमोनीश देयर ग्रांड मदर उनकी दादी ने फटकार लगाई छुछुंदर सार लकी दे ब्रिंग मनी छुचुंदर भाग्यशाली होते हैं वह पैसे लाते हैं एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल और निश्चित रूप से मुझे डाक से एक चेक मिला है नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम बहुत बड़ी राशि नहीं है लेकिन सभी का स्वागत है तो कह रहे हैं कि जो चुचुंदर है तो उनकी दादी बच्चों बच्चे हालांकि बच्चों के लिए मनोरंजन का वो साधन बन गया है एक तो लेकिन उनकी दादी उन्हें कहती है उन्हें दे, चेतावनी देती है कि उसे मारो मत डोंट केलेट एडमोनिस देयर ग्रांड मदर उसे मारो मत उनकी दादी ने फटकार लगाई चुचुंदर आर लकी दे प्रिंग मनी चुचुंदर भाग्यशाली होते हैं वे पैसे लाते हैं एंड श्योर इनफ आई रिसीव्ड अ चेक इन द इन द मेल और निश्चित रूप से मुझे डाक से एक, एक चेक मिला नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम बहुत बड़ी राशि नहीं है लेकिन जितनी भी है उसका स्वागत है तो देखो अब राइटर कह रहे हैं कि वो फ़नी मूड में कह रहे हैं कि हाँ श्योर है कि जो चुचुंदर हैं वो लकी होते हैं वो पैसे पैसे ले लेके आते हैं क्योंकि मुझे भी अपने डांक से क्या मिला है एक चेक मिला है नाउ अक्टूबर थ्री अब अक्टूबर थ्री यानी अक्टूबर तीन तारीख की बात कर रहे हैं राइटर वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इंटू विंटर रेन हम सीधे मॉनसून की सर्दियों की बारिश मॉनसून से सर्दियों की बारिश में चले गए हैं तो अक्टूबर थ्री में वो अब सीधे जो मॉनसून की बारिश से वो अब जो सर्दियों में बारिश होती है अक्टूबर में भी इस समय बारिश होती है सर्दियों की बारिश होती है अक्टूबर में तो उसमें वो पहुंच गए हैं तो वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मॉनसून इन टू विंटर रेन हम सीधे मॉनसून से सर्दियों की बारिश में चले गए हैं स्नो एट हायर एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड मीन्स होता है ऊंचाई अधिक ऊंचाइयों पर हिमपात है या बर्फ है स्नो एट द स्नो एट हायर एल्टीट्यूड ऊंची अधिक ऊंचाइयों पर बर्फ है आफ्टर एन इवनिंग हेल स्ट्रोम द स्काई एंड हिल्स आर सफ्ट सफस्ट विद अ ब्यूटिफुल गोल्डन लाइट हेल स्ट्रोम मीन्स होता है ओले पड़ना सफस्ट मीन्स होता है स्नान करना ठीक है आफ्टर एन इवनिंग हेल स्ट्रोम द स्काई एंड हिल्स आर सफेस्ट विद अ ब्यूटिफुल गोल्डन लाइट एक शाम की ओलावृष्टि के बाद आकाश और पहाड़ियाँ सुंदर सुनहरे प्रकाश में स्नान कर रहे हैं तो देखो आप वो कह रहे हैं अक्टूबर थ्री की बात पर कर रहे हैं तो वो सीधे कह रहे हैं कि अब हम मानसून ख़त्म हो गया है अगस्त में क्या होता है मानसून ख़त्म हो जाता है तो अब वो अक्टूबर थ्री की बात कर रहे हैं तो अक्टूबर थ्री में वो कह रहे हैं कि हम सीधे मानसून से अब कहाँ चले गए जो सर्दियों की बारिश होती है वहाँ चले गए और जो शाम को जो हेल स्ट्रोम पड़ी थी जो बड़ा ओलावृष्टि हुई थी उसके बाद जो पहाड़ियाँ और आकाश है वह सुंदर सुनहरे प्रकाश में स्नान कर रहे हैं यानी वो चमकीले हो गए ठीक है नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज जनवरी ट्वेंटी सिक्स अब जनवरी ट्वेंटी सिक्स की बात कर रहे हैं छब्बीस जनवरी की बात कर रहे हैं विंटर रेन्स द हिल्स पहाड़ियों में सर्दियों की बारिश विंटर रेन्स इन हिल्स हिल्स यानी पहाड़ियों में सर्दियों की बारिश अब देखो ट्वेंटी जनवरी भी क्या है सर्दियों का मौसम है उस टाइम पे भी क्या होती है बारिश होती है तो जनवरी ट्वेंटी सिक्स विंटर रेन्स इन द हिल्स छब्बीस जनवरी की ये बात कर रहे हैं और विंटर रेन्स इन द हिल्स पहाड़ियों में सर्दियों की बारिश इन द हर्ष Silence of the house when i am quite alone and my friend who was here has go gone it is very lonely very quiet as i sit in a liquid silence a silence within surrounded by the rhyme of rain rhythm of rain the steady drift of water and leaves on lemons on roof Drumming on a drench dahlia and windows panes, while the mist holds the house in a dark circus. तो देखो आप कह रहे हैं कि in the hushed silence of house, when I am quite alone. Hushed means क्या होता है? दबावा, घर के दबे हुए सन्नाटे में जब मैं पूरी तरह से अकेला हूँ एंड माई फ्रेंड हु वॉज़ हेयर हैज़ कॉन और मेरा दोस्त जो यहाँ था वह जा चुका है इट इज़ वेरी लोनली वेरी क्वाइट यह बहुत अकेला है बहुत शांत है एज़ आई सिट इन अ लिक्विड साइलेंस जैसे कि मैं एक तरल मॉन क्योंकि मैं एक तरल मॉन में बैठा हूँ असाइलेंस विद इन सराउंडेड अ साइलेंट विद इन एक सन्नाटा अंदर सराउंडेड बाय द राइम ऑफ रेन बारिश की लय से घिरा हुआ द स्टी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स ऑन लेमंस ऑन रूफ्स ड्रमिंग ऑन ट्रेंच डहलियाज एंड विंडो पेंस वो कह रहे हैं कि सराउंडेड बाई द राइम ऑफ रेन की लह से रिदम सराउंडेड बाई द रिदार की लह से घिरा हुआ द स्टीडी ड्रेफ्ट ऑफ वॉटर ऑन लीवस पत्तों पर पानी का स्थिर बहाव ऑन लेमन नींबों पर ऑन छत ऑन रूफ छत पर ड्रमिंग ऑन ड्रेंच ड्रेंच टहलिया भी की टहलियाओं और विंडो पेंस और खिड़कियों के शीसों पर पानी क्या हो रहा है स्थिर पानी है वाइल्ड मिस्ड होल्ड द हाउस इन अ डार्क सेरीज सेरीज मीन्स होता है दुलार जबकि धुंध ने घर को अंधेरे दुलार, दुलार में रखा है अब देखो ये पॉइटिक हो रहा है यहाँ पर तो इन द हर्स्ट साइलेंस ऑफ हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन हस्ट मीन्स होता है दबे हुए घर के दबे हुए सन्नाटे में जब मैं पूरी तरह से अकेला हूँ एंड माय फ्रेंड हु वाज़ हियर वो हैज़ गॉन और मेरा दोस्त जो यहाँ था जा चुका है इट इज़ वेरी लोनली वेरी क्वाइट या बहुत अकेला है बहुत शांत है एज़ आई सिट इन अ लिक्विड साइलेंस जैसे क्योंकि मैं एक तरल मौन में बैठा हूँ अ साइलेंस विद इन एक सन्नाटा भीतर सराउंडेड बाई द राइम ऑफ रेन रिदिम ऑफ रेन जो बारिश की लहर से घिरा हुआ है तो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि जो सन्नाटा है भाव, जो जो घर है वो एक दबे हुए सन्नाटे से क्या हुआ है दबा हुआ सन्नाटा है घर में और राइटर कह रहा है कि मैं पूरी तरह से अकेला हूँ और जो मेरा दोस्त है वह अभी तक यहाँ था वह जा चुका है और अब बहुत मैं क्या कर रहा हूँ लोनली फील कर रहा हूँ और बहुत तो यह शांति है और वो कह रहा है कि मैं एक लिक्विड यानी तरल मौन में बैठा हूँ और मेरे अंदर भी क्या एक शांति है एक जो जो बारिश की लय है उससे घिरी हुई है सराउंडेड बाई द रैम ऑफ रेन और बारिश के जो लय है उससे मैं जो क्या हूँ घिरा हुआ हूँ द स्टिडीज ड्रिफ्ट जो स्टिडी ड्रिफ्ट है यानी जो स्थिर बहाव है पानी का आ, वो किस पर पानी को पत्तों पर पानी का स्थिर बहाव नींबुओं पर छतों पर भीगी हुई भी टहलियों और खिड़की की खिड़की की खिड़की के शीशों पर क्या है पानी का स्थिर बहाव है ठीक है वाइल द मिस्ट होल्ड द हाउस इन अ डारैरीज जबकि धुंध ने घर को अंधेरे दुलार में रखा है ठीक है तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि वो थोड़ा पोइटिक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो सा अंदर जो घर का सन्नाटा है उसमें मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ और जो मेरा दोस्त है जो अभी तक यहाँ था वह जा चुका है और मेरे जो मेरे जो, मेरे, जो मैं क्या बैठा हूँ बिल्कुल साइलेंस में बैठा हूँ मौन में बैठा हूँ और मेरे अंदर भी क्या है साइलेंस है चुप्पी है और मैं जो बारिश की लय है जो बारिश का गीत है उससे मैं घिरा हुआ हूँ और जो पानी का स्थिर बहाव है पत्तियों पर नींबू पर छतों पर और डहलियों पर जो है और शीशे की खिड़कियाँ जो है जो खिड़ खिड़कियों के शीशे हैं उन पर क्या है पानी का स्थिर बहाव हो रहा है और जो मे जो धुंध है उसने अंधेरे को वो उसने घर को अंधेरे में दुलार में रखता रखा है ठीक है तो प्यार से रखा है एज़ आई पॉज नियर अ विंडो द रेन स्टॉप्स जैसे ही मैं एक खिड़की के पास रुकता हूँ बारिश रुक जाती है एंड स्टार्ट्स अगेन और फिर शुरू हो जाती है एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे मीन मिनेस मी विथ देयर लोनली नेस मीनेक्स मिनेस मीन्स होता है धमकाना ठीक है एंड द ट्रीज और पेड़ नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे जो अब हरे भरे नहीं थे भूरे हो गए हैं मीनेक मी विथ देयर लोनली लेस मुझे अपने अकेलेपन से धमकाते हैं तो कह रहा है देखो चूँकि मैं एक खिड़की के पास जाकर रुक जाता हूँ और बारिश भी रुक जाती है और एंड स्टार्ट अगेन और फिर शुरू हो जाती है और एंड द ट्रीज़ नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे और पेड़ जो अब अधिक हरे भरे नहीं थे भूरे हो गए हैं मीनक मी विथ देयर लोनली लेस मुझे अपने अकेले से धमकाते हैं ठीक है मार्च ट्वेंटी थ्री अब राइटर मार्च ट्वेंटी थ्री की बात कर रहे हैं तो मार्च ट्वेंटी थ्री में लास्ट मार्च एंड ऑफ विंटर मार्च का अंत अंतिम मार्च एंड ऑफ विंटर सर्दियों का अंत द ब्लैंकेट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्विटेड ओवर मसूरी एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एंड आर सबसे काले बादल जो मैंने कभी मसूरी के ऊपर देखे थे और फिर उसने आधे घंटे तक पत्थरों की ओलावृष्टि की या कंचों की ओलावृष्टि की मार्बल्स मीन्स होता है कच्चे कंचे या पत्थर ठीक है तो ब्लै द ब्लैकेट्स यानी सबसे काले क्लाउड्स यानी बादल आई हैव एवर सीन स्क्वेटेड ओवर द मसूरी स्क्वेटेड मीन्स होता है घिरे होना ठीक है तो कह रहा है कि द ब्लैकेट्स क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वेटेड ओवर मसूरी एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आर सबसे काले बादल जो मैंने कभी मसूरी के ऊपर देखे थे और फिर उन्होंने आधे घंटे तक कंचों की ओलावृष्टि की मीन्स कि वो काले बादल जो मैंने कभी मसूरी में देखे थे वह आधे घंटे तक उन्होंने क्या कि ओलावृष्टि की नथिंग लाइक अ हेल स्टॉम टू क्लियर द स्काई आसमान साफ करने के लिए ओलावृष्टि जैसा कुछ नहीं है इवन एज आई राइट आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग जब मैं अपनी डायरी लिखता हूँ मुझे एक हिंदूतनुष बनते देख देखता हूँ ठीक है तो एज़ आई इवन एज आई राइट जैसा कि मैं लिख जब मैं अपनी डायरी में लिखता हूँ आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग में एक इंद्रधनुष को बनते हुए देखता हूँ तो देखो अब वो मार्च ट्वेंटी थ्री में आ गए हैं तो मार्च में क्या होता है सर्दियों की सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो वो कह रहे हैं कि जो मैंने मसूरी में इतने काले बादल कभी ही देखें शायद ही कभी देखें और वे फिर आधे घंटे तक बहुत तेज क्या करते हैं ओलावृष्टि करते हैं और फिर वो कहते हैं कि आसमान को साफ़ करने के लिए जो ओलावृष्टि है उससे अधिक उस उसके जैसा कुछ नहीं है मतलब ठीक है ओलावृष्टि जैसा कुछ नहीं है और फिर वो कहते हैं कि जैसा मैं लिखता हूँ तो मैं एक इंद्रधनुष को बनते हुए देखता हूँ ठीक है तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ रस्किन बॉन्ड है तो रस्किन बॉन्ड इसके राइटर हैं तो उनकी जो डायरी वो लिखते थे उस डायरी के यहाँ पर अंश लिया गया है थोड़ा सा जो था मॉनसून डायरी तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे